लेकिन अभी तक उनका कोई बच्चा नहीं हुआ था। इसकी वजह से शीतल और अभिमन्यु परेशान रहते थे, लेकिन उन दोनों से ज्यादा परेशान थी शीतल की सास, यानी अभिमन्यु की माँ जानकी देवी। जानकी देवी चाहती थी कि जल्दी से जल्दी उनकी गोद में पोता या पोती आ जाए, और इसीलिए वो अपनी बहू शीतल को लेकर एक दिन हॉस्पिटल पहुंची। डॉक्टर मैडम, जरा ठीक से चेक करके बताइए ना, कई बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया है लेकिन मेरी बहू माँ ही नहीं बन पाती। मैंने शीतल को बहुत अच्छे से चेकअप किया है। देखिए, बात यह है कि शीतल के अंदर माँ बनने की कैपेसिटी नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं डॉक्टर साहब, कोई तो इलाज होगा ना, कोई दवाई दे दीजिए। देखिए, कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जिनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। आई एम सॉरी टू से, लेकिन शीतल कभी माँ नहीं बन सकती क्योंकि उसके यूट्रस में अंदर से ही कुछ प्रॉब्लम है। घर आने के बाद, क्या हुआ माँ, कहाँ लेकर गई थी आप शीतल को? अरे कहाँ लेकर जाती, डॉक्टर मैडम के पास ले गई थी, लेकिन तेरी बीवी तो कभी माँ बन ही नहीं सकती। मम्मी जी, इसमें मेरी क्या गलती, अगर अंदर से कोई प्रॉब्लम है तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती। जानती हूँ, ये बात डॉक्टर के मुंह से सुन चुकी हूँ, अब दोबारा मेरे सामने इस बात का गाना मत गा। अरे माँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम सोचते हैं ना कुछ। अरे क्या सोचेगा तू, जब डॉक्टर कह चुका है कि तेरी बीवी माँ नहीं बन सकती, तो बता क्या सोचेगा तू, कहाँ से लाएगा बच्चा? माँ, ये तो मैं भी नहीं जानता। अभिमन्यु, क्यों ना हम अनाथ आश्रम से एक बच्चा गोद ले आए, क्या फर्क पड़ता है बच्चा हमारा हो या गोद लिया हुआ। आई बड़ी बातें बनाने वाली, क्या फर्क पड़ता है? अरे क्यों फर्क नहीं पड़ता, मुझे इस वंश को आगे बढ़ाने के लिए मेरे बेटे का खून चाहिए, किसी दूसरे का नहीं। लेकिन माँ, अब जानती है कि ये अब पॉसिबल नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती, मैं किसी पराए की औलाद को इस घर में अपना पोता या पोती बन के बढ़ता हुआ नहीं देख सकती। मेरा वंश मेरे बेटे के खून से ही आगे बढ़ेगा। लेकिन मम्मी जी, ऐसा कैसे हो पाएगा, आप अच्छी तरह जानती है ना, मेरा और अभिमन्यु का बच्चा नहीं हो सकता। तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी और अपनी दूसरी बीवी से यह मुझे बच्चा पैदा करके देगा। ये आप क्या कह रही हैं माँ, मैं किसी और से शादी नहीं करने वाला। मेरे रहते हुए आप अभिमन्यु की शादी किसी और से करवाएंगी? मम्मी जी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? तू बस देखती जा बहू, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। कुछ दिनों के बाद, अभिमन्यु, मैंने तेरे लिए लड़की ढूंढ ली है। माँ, मैं आपको कितनी बार समझाऊं, मुझे किसी से शादी नहीं करनी है। पहले मेरी बात सुन, ये जो चमेली है ना, हमारे घर में काम करने आती है, वो तुझसे शादी करने के लिए तैयार है। मम्मी जी, आप अभिमन्यु की शादी एक नौकरानी के साथ करवाएंगी? वो इसलिए क्योंकि चमेली दिखने में बहुत खूबसूरत है, बच्चा भी सुंदर ही होगा। मम्मी जी, लेकिन एक बच्चे के लिए अपने बेटे की शादी नौकरानी के साथ करवाना, क्या ये सही है? अगर अभिमन्यु ने शादी नहीं की ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अब देख लो, अगर तुम्हें अपनी माँ की जान प्यारी है, तो तुम्हें इस नौकरानी के साथ शादी करनी ही होगी। इस तरह जानकी देवी अपने बेटे अभिमन्यु की शादी नौकरानी चमेली के साथ करवा देती है। कुछ दिनों के बाद, नौकरानी से मालकिन बनके तो मजा आ गया, अब तो मैं इस घर की मालकिन हूँ। देखो, अपने आप को ज्यादा मालकिन समझने की कोशिश मत करो, एक बार तुम्हारा और अभिमन्यु का बच्चा इस दुनिया में आ जाए, उसके बाद तुम इस घर से हमेशा के लिए चली जाना। अरे जाओ जाओ, किसी और के आगे बातें बनाना, एक बच्चा तो पैदा नहीं कर सकी। बढ़िया आई, जाओ जाकर मेरे लिए कॉफी बना कर लाओ। नौकरानी मैं हूँ या तुम? मम्मी जी, देखिए ना, शीतल मुझसे किस तरह से बात कर रही है। शीतल, तुम्हें पता है ना, चमेली प्रेग्नेंट है, मेरे बेटे के बच्चे की माँ बनने वाली है, वो जैसा कहती है वैसा करो। लेकिन मम्मी जी, वो मुझे नौकरों की तरह ट्रीट कर रही है। अरे तो करेगी ना, वैसे भी बहू तुम हो किस काम की, एक बच्चा तो पैदा नहीं कर सकती। जाओ अब घर के सारे काम करो और चमेली को आराम करने दो। थैंक यू मम्मी जी, भगवान आपका भला करे, आप नहीं होती तो मैं नौकरानी से महारानी कैसे बनती। देखो, तुम्हें जो चाहिए सब मिलेगा, खूब खाओ पियो, मजे की जिंदगी जियो, लेकिन बस मुझे एक बच्चा पैदा करके दे दो। कुछ दिनों के बाद,
मम्मी, बच्चे के लिए आपने मेरी शादी चमेली के साथ करवा तो दी, लेकिन दिन और रात का चैन मिट गया है। सारा दिन शीतल और चमेली की बहस चलती रहती है। अब शीतल को इस घर में रखने से क्या होगा? मैं तो कहती हूँ उसे घर से निकाल दो, है भी किस काम की। मैं ऐसा नहीं कर सकता माँ, वो मेरी पत्नी है, उससे बहुत प्यार करता हूँ मैं। तुम्हारी पत्नी चमेली है, चमेली उससे प्यार करो। अरे तुम्हारे बच्चे को जन्म देने वाली है वो। अभिमन्यु, मैं खुद ही इस घर से चली जाती हूँ। वैसे भी अपने ही घर में नौकरों की तरह रहकर परेशान हो चुकी हूँ। घर की नौकरानी मेरे ऊपर हुक्म चलाती है, वो तुम्हारी पत्नी बन चुकी है, अब मेरा इस घर में क्या काम? अभिमन्यु के बार बार रोकने पर भी शीतल उस घर से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद चमेली एक बच्चे को जन्म देती है। भगवान ने मेरी सुन ली, मेरे बेटे का घर भर गया, उसका अपना बच्चा इस दुनिया में आ गया। मम्मी जी, बच्चे को हाथ लगाने से पहले मेरी एक शर्त सुन लो। तुम कहना क्या चाहती हो चमेली? आपकी मम्मी को बहुत शौक था ना अपने पोते को खिलाने का। अब देखो, इस दुनिया में हर चीज की कोई ना कोई कीमत तो होती है। तुम अपनी आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, बच्चा तुम्हारे नाम। अरे लेकिन मैंने अपने बेटे से तुम्हारी शादी करवाई है, अब ये सौदेबाजी कहाँ से आ गई? जो औरत अपनी बहू को घर से निकाल कर एक नौकरानी के साथ अपने बेटे की शादी करवा दे, वो तो सौदेबाजी कर ही सकती है ना, उसका कैसे भरोसा कर सकते हैं? मुझे बस आप लोगों की प्रॉपर्टी चाहिए, उसके बाद ही बच्चे को आप हाथ लगा सकते हैं। मैंने कहा था ना मम्मी, आप गलत कर रही हैं। देखिए, उसका नतीजा आपके सामने है। जब शीतल को पता चलता है कि अभिमन्यु और चमेली का बच्चा दुनिया में आ गया है, तो वो अपने घर पहुंचती है। अभिमन्यु, कहाँ है आपका बच्चा? क्या मैं उसे देख सकती हूँ? कुछ भी मत पूछो शीतल, माँ की हुई एक गलती हम लोगों पर भारी पड़ रही है। वो नौकरानी अपनी औकात पर आ गई है और अब हमसे अपनी आधी प्रॉपर्टी मांग रही है, वो भी बच्चे के बदले में। एक बात कहूँ अभिमन्यु, आप उसे कुछ भी देने से मना कर दो। अरे कैसी बात कर रही हो, मेरे बेटे की औलाद है उसके पास, ऐसे कैसे मना कर दे? मम्मी जी, वो अभिमन्यु का बच्चा नहीं है, वो चमेली और उसके बॉयफ्रेंड का बच्चा है। ये तुम क्या कह रही हो शीतल? ये देखिए वीडियो, चमेली और उसका बॉयफ्रेंड आपस में बातें कर रहे हैं कि उन दोनों ने मिलकर आपको बेवकूफ बनाया है और अब इस बच्चे के बदले आपसे प्रॉपर्टी भी हड़प लेंगे। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया, ना तो बच्चा मिला और अपने बेटे की नौकरानी के साथ शादी करवा दी सो अलग, अब क्या होगा? मुझे माफ कर दो शीतल, मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है। अभिमन्यु, मैंने कहा ना, उस नौकरानी को उसके बच्चे सहित इस घर से बाहर निकाल दो। लगता है मेरे अभिमन्यु का बाप बनने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। अभिमन्यु, अपनी मम्मी से कहो कि परेशान ना हो। आपको याद है एक बार हम एक IVF सेंटर गए थे, मैंने फिर से वहां जाकर बात की थी, और आपको पता है इस बार मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि हमने वहां पर प्रोसीजर करवाया था जिसकी वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, और इस बात का पता मुझे बस कुछ महीने पहले ही लगा है। हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है अभिमन्यु। मुझे माफ कर दो शीतल बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं माँ, लेकिन अब हमें उस धोखेबाज नौकरानी को इस घर से बाहर निकालना है और इस घर की मालकिन को वापस घर लाना है, वो भी अपने। अच्छा हुआ संध्या तुम पढ़ी लिखी हो, कम से कम मेरे साथ घर चलाने में मेरी मदद तो कर देती हो। हाँ, लेकिन तुम क्या करती हो? तुम कौन सा मेरे घर के कामों में मेरी मदद करती हो? अरे मेरी माँ ने तो कभी मुझसे एक प्लेट भी नहीं उठवाई, आंखों का तारा था मैं उनकी। हाँ हाँ, मेरी माँ ने तो मुझे रास्ते में बिठा कर पाला है ना। अच्छा, ये तो बताया नहीं तुमने कभी। बताया तो था, लेकिन हाँ, माँ ने घर का काम भी करवाया और पढ़ाया भी। अच्छा, तो तुम क्या कहना चाहती हो, मेरी माँ ने मुझे घर के काम नहीं सिखाए? अरे सिखाए भी क्यों, लड़का हूँ मैं। ये सुनकर संध्या हंसने लगती है। रहने दो इस बहस को, तुम्हें फिक्र है ना कि मैं तुम्हारा घर चलाने में मदद करती हूँ, प्लीज तो फिर तुम भी घर के कामों में हेल्प कर दिया करो। अरे बाप रे, ठीक है मैं कल ही तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूंगा। अच्छा ये ऐप तो देखो,
क्लास 6 to 12 के मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और IIT, जी, नीट लेवल तक के सॉल्यूशन अवेलेबल है। बस करना क्या है, क्वेश्चन की फोटो क्लिक करो, क्वेश्चन को क्रॉप करो और 3 सेकंड में वीडियो सॉल्यूशन आ जाता है। तो अब से कोई भी डाउट हो तो डाउट नट करो। अगले दिन, अरे आओ आओ संध्या, देखो तो कौन आया है। अरे ये कौन है, आपकी कोई रिश्तेदार है क्या, बताया नहीं आपने। नहीं संध्या, ये हमारी हेल्पर है, घर के कामों में ये आंटी तुम्हारी मदद करेंगी। अरे लेकिन मुझे तो टाइम से ऑफिस जाना जरूरी होता है, फिर कैसे मैं मैनेज करूंगी। अरे तू काहे को मैनेज करेगी, अपुन है ना सब संभाल लेगा, तू तो मस्ती से ऑफिस जा, पैसे कमा और अपुन को दे। ठीक है, आइए मैं आपको काम बता दूं। संध्या आंटी को लेकर किचन में जाती है और उन्हें घर का सारा काम समझा देती है। अगले दिन, वाह प्रशांत मजा आ गया, आज तो गर्मा गर्म खाना बिल्कुल प्लेट में। और क्या समझ रही थी तुम मुझे, मेरी माँ ने स्मार्ट वर्क सिखाया है, समझी। संध्या बोलती भी क्या। अगले दिन, आंटी आप बहुत अच्छा खाना बनाती है, मेरी ऑफिस में लोग काफी तारीफ कर रहे थे। अपन का तो काम ही यही छे ना बाबा। अच्छा ये लो लिस्ट, सामान घर में खत्म हो रहा है ना, लेकर आना। हाँ हाँ लेकर आऊंगा आंटी। दोनों के दिन इसी तरह आराम से कट रहे थे। एक शाम, अच्छा संध्या बेटा मैं जाती हूँ, खाना बना कर रख दिया है, और ये बिजली का बिल है भर देना वरना बत्ती कट जाएगी। अब लाइए आंटी, मुझे दीजिए, ये मेरा काम है। ये बोलकर प्रशांत बिल ले लेता है। एक दिन प्रशांत की माँ का फोन आता है। अरे प्रशांत क्या हाल है बेटा, माँ को तो भूल ही गया। अरे कल ही तो बात हुई थी माँ, वैसे माँ हम लोगों ने ना घर में एक हेल्पर रख ली है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा खाना बनाती है वो आंटी, मेरा तो पेट भी बाहर निकल आया है, कल से जिम ज्वाइन करना पड़ेगा। अच्छा तो तेरी बीवी क्या करती है ऑफिस से आकर, उससे खाना ना बनाया जाता है। अरे माँ वो भी तो थकती है ना जैसे मैं थकता हूँ, और मुझे तो तूने काम करना सिखाया नहीं, वरना साथ में उसकी भी मदद कर देता, अब अकेले कितना काम करेगी वो। अरे जोरू का गुलाम, देखा नहीं था कैसे तेरे पापा सारे वक्त खाट तोड़ते थे और मैं चक्की पीसती थी, अरे वो कौन सा उठकर आ जाते थे, तू तो शहर में रहता है, थोड़ा पैसा बचाया कर बेटा। तभी वहाँ संध्या आ जाती है। प्रशांत मुझे तुमसे बात करनी है। प्रशांत फोन रख देता है। हाँ बोलो क्या हुआ। अरे पिछले 2 महीने से हम लोगों के खर्चे कितने बढ़ गए हैं, समझ में नहीं आ रहा कि पैसे जा कहाँ रहे। अरे ये जो तुम मोटी हो रही हो ना, ऐसे ही नहीं हो रही हो। अरे मजाक छोड़ो प्रशांत, अच्छा ये बताओ आज आंटी नहीं आई। नहीं आई होंगी, कोई बात नहीं मैडम, कभी खुद भी किचन का रुख कर लिया करो। संध्या किचन में जाती है तो दंग रह जाती है। प्रशांत ये देखो तो पूरा किचन कितना गंदा है, और यहाँ तो राशन का कुछ भी सामान नहीं है, क्या बनाऊँ, न चावल है न दाल न आटा। अरे कैसी बात कर रही हो, अभी 10 दिन पहले ही तो मैं सामान लेकर आया हूँ। तभी आंटी आ जाती है। हाँ साहब अपन बोलने ही वाला था कि राशन का पूरा सामान फिर से लाना होगा, अब आज क्या बनाएगी, आज ना आप बाहर से खा लेना और मेरा पगार दे दो, आज मेरे को गांव जाने का है, 4 दिन बाद आएगी मैं। हाँ किसी तरह दोनों आंटी को पैसा देकर साथ बैठते हैं। इस बार तो बिजली का बिल भी बहुत आया है, 10 दिन में राशन खत्म, और अब जब देखो इनकी छुट्टी, यार मुझे तो लग रहा है कि मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगी। अरे यार फिर घर कैसे चलेगा, नहीं नहीं इतनी अच्छी करियर है तुम्हारी, छोड़ने नहीं दूंगा मैं। अरे पर मुझसे घर का और बाहर का काम साथ साथ नहीं होता प्रशांत। चलो ठीक है काम बांट लेते हैं, जैसे तुमने मेरा हाथ बटाया, चलो बताओ मैं क्या करूं तुम्हारे लिए। बस फिर क्या था, दोनों मिलकर घर का काम करते, दोनों ऑफिस जाते, पैसे कमाते और खुशी से रहते। घर के लिए कितनी जरूरी होती है आइए देखते हैं। अरे बहू ये देख सारा साबुन बर्तन में रह गया, ये नौकरानी कोई काम नहीं करती, गंदा काम करके चली जाती है और ढेर सारा पैसा ले जाती है। अरे मम्मी जी उसने तो साफ किया ही था, मेरे ही हाथ से इस ग्लास में सर्फ गिर गया था। अरे बस कर झूठी,
उसे बचाने के लिए सारी जुगत लगा ले, लेकिन मैं तो इसे निकाल कर ही रहूंगी। हमारे जमाने में ना कोई नौकरानी थी और ना ही ये चिकने बर्तन। चूल्हे के जले बर्तनों को राख रगड़ कर साफ किया करती थी मैं। अरे माँ जी, मैं कहाँ बचा रही हूँ उसे, और वैसे भी आजकल नौकरानी जरूरत नहीं, स्टेटस सिंबल बन गया है। अब आप बताओ, मैं मुन्ना को नीचे घुमाने ले जाऊं तो लोगों से क्या बोलूं? झाड़ू पोछा खुद लगा रही हूँ। लोग सीधा यही पूछते हैं कि कौन सी नौकरानी काम कर रही है तेरे घर पर। अरे बस कर, ये भी कोई बात होती है। मम्मी जी, आप नहीं समझेंगी। शाम को नौकरानी घर आकर काम कर ही रही होती है कि सास को कहती है, माँ जी एक बात बोलूं, बुरा न मानना। अरे वैसे तो मुझे तेरी शक्ल ही पसंद नहीं है, बात क्या खाक पसंद आएगी। अरे माँ जी सुन तो लीजिए क्या कह रही है। तो मैंने कौन सा उसका मुंह पकड़ लिया है? अरे माँ जी, वो लाल साड़ी पहनती हो ना, ना पहना करो। सास का गुस्सा अब तो सातवें आसमान पर होता है। अरे वाह जी वाह, क्यों ना पहना करूं? और तू होती कौन है ये बताने वाली कि मैं क्या पहनूं क्या ना पहनूं? अरे माँ जी पूरी बात तो सुन लो, वो बोलना क्या चाह रही है? अरे बुरा न मानो आंटी जी। अरे कौन है आंटी, अपनी उम्र देखी है तूने? 2-4 साल ही छोटी होगी मुझसे और मुझे आंटी बोल रही है। बहू सर पर हाथ रख लेती है। अरे अच्छी खासी उम्र दराज हो और आंटी ना बोलूं, मैं तुम्हारी बहू से भी 4 साल छोटी हूँ, क्यों दीदी? बोलती भी क्या, एक तरफ सास यानी पति की माँ तो दूसरी तरफ नौकरानी जिसके बिना घर का काम नहीं चल सकता। वो दरअसल माँ जी की शादी भी बहुत जल्दी हो गई थी ना। अच्छा ये झगड़ा छोड़ो, ये बताओ तुम माँ जी को लाल साड़ी पहनने से क्यों मना कर रही हो? वो ना, इनकी उम्र की सारी औरतें सोसाइटी में इनके लिए बात करती हैं कि तुम्हारी सास बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम है। बहू को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। अरे वाह वाह, कौन बोलता है जी, खुद क्या है यहाँ की औरतें, बाल सफेद लेकिन टाइट जींस और कोई कुछ भी पहने। अरे पहनना हमारा निजी हक है, किसी को कुछ हक नहीं बनता कि वो मेरी सास के लिए कुछ बोले। मैं आज ही जाकर माँ जी के लिए लाल जींस लेकर आऊंगी, फिर देखो कोई क्या बोलता है। अरे चुप लाल जींस। अरे सुन नौकरानी की बच्ची, जाकर बोल दे उन लोगों से कि उन लोगों की तरह मैं उड़ती नहीं फिरती हूँ घर बार छोड़कर, अपने बच्चों और नाती पोतों में मन लगाती हूँ, ना कि सारा दिन ताश के पत्तों में आग गड़ाकर 3 पत्ती खेलूं। नौकरानी वहां से चली जाती है। वैसे बहू नौकरानी के क्या फायदे हैं ये तो पता नहीं, लेकिन सबसे अच्छा तो ये कि पता चल जाता है कि कौन किसके लिए क्या बोल रहा है। सोसाइटी में तेरा नौकरानी रखने का इरादा बिल्कुल ठीक था। अगले दिन उन लोगों के घर की बेल बजती है। बहू दरवाजा खोलती है कि सामने कुछ औरतें खड़ी होती हैं। अरे बहू कहाँ है तेरी सास, बुला जरा। अरे बहन जी आप सारी एक साथ आइए आइए, कैसे आना हुआ? अरे 3 पत्ते खेलने आई हैं, क्यों खेलोगी? क्यों नहीं क्यों नहीं, वैसे भी बड़े दिन हो गए, एंटरटेनमेंट हुआ नहीं। बहू जा जाकर पकोड़े तो बना ला। अरे बस करिए, आगे कुछ पीछे कुछ, वैसे तो कहती है कि परिवार पर ध्यान देती है, हमारी तरह 3 पत्तियां नहीं खेलती, हमने कौन सा परिवार छोड़ दिया? सास सक पका जाती है। अब ये किसने कहा? मैं तो कहती हूँ कि मैं भी थोड़ा बाहर निकलूं। आपने ही तो कमला नौकरानी से ये सारी बात की थी। सास और बहू को अब सारी कहानी समझ आ जाती है कि सोसाइटी की औरतें क्यों भड़क रही हैं। माफ करिए आंटी, मैं छोटी हूँ, लेकिन फिर भी पहले तो आप लोगों ने माँ की लाल साड़ी का मजाक उड़ाया था ना? हाँ हाँ उड़ाया था, लेकिन उससे पहले तो तुम लोगों ने हमारी जींस के बारे में बात की थी। अरे क्यों ना पहने हम जींस, तुम्हारे पैसों की थोड़ी ना है। सास और बहू सर पकड़ कर बैठ जाती है। देखा बहू, ये खेल कर गई तेरी नौकरानी,
यहाँ की बात वहां तो वहां की बात यहाँ। दोनों किसी तरह औरतों को से। अरे बहू ये देख सारा साबुन बर्तन में रह गया। ये नौकरानी कोई काम नहीं करती, गंदा काम करके चली जाती है और ढेर सारा पैसा ले जाती है। अरे मम्मी जी उसने तो साफ किया ही था, मेरे ही हाथ से इस ग्लास में सर्फ गिर गया था। अरे बस कर झूठी, उसे बचाने के लिए सारी जुगत लगा ले, लेकिन मैं तो इसे निकाल कर ही रहूंगी। हमारे जमाने में ना कोई नौकरानी थी और ना ही ये चिकने बर्तन। चूल्हे के जले बर्तनों को राख रगड़ कर साफ किया करती थी मैं। अरे माँ जी मैं कहाँ बचा रही हूँ उसे, और वैसे भी आजकल नौकरानी जरूरत नहीं स्टेटस सिंबल बन गया है। अब आप बताओ मैं मुन्ना को नीचे घुमाने ले जाऊं तो लोगों से क्या बोलूं, झाड़ू पोछा खुद लगा रही हूँ। लोग सीधा यही पूछते हैं कि कौन सी नौकरानी काम कर रही है तेरे घर पर। अरे बस कर ये भी कोई बात होती है। मम्मी जी आप नहीं समझेंगी। शाम को नौकरानी घर आकर काम कर ही रही होती है कि सास को कहती है, माँ जी एक बात बोलूं बुरा ना मानना। अरे वैसे तो मुझे तेरी शक्ल ही पसंद नहीं है, बात क्या खाक पसंद आएगी। अरे माँ जी सुन तो लीजिए क्या कह रही है। तो मैंने कौन सा उसका मुंह पकड़ लिया है। अरे माँ जी वो लाल साड़ी पहनती हो ना, ना पहना करो। सास का गुस्सा अब तो सातवें आसमान पर होता है। अरे वाह जी वाह, क्यों ना पहना करूं, और तू होती कौन है ये बताने वाली कि मैं क्या पहनूं क्या ना पहनूं। अरे माँ जी पूरी बात तो सुन लो, वो बोलना क्या चाह रही है। अरे बुरा ना मानो आंटी जी। अरे कौन है आंटी, अपनी उम्र देखी है तूने, 2-4 साल ही छोटी होगी मुझसे और मुझे आंटी बोल रही है। बहू सर पर हाथ रख लेती है। अरे अच्छी खासी उम्र दराज हो और आंटी ना बोलूं, मैं तुम्हारी बहू से भी 4 साल छोटी हूँ, क्यों दीदी। बोलती भी क्या, एक तरफ सास यानी पति की माँ तो दूसरी तरफ नौकरानी जिसके बिना घर का काम नहीं चल सकता। वो दरअसल माँ जी की शादी भी बहुत जल्दी हो गई थी ना। अच्छा ये झगड़ा छोड़ो, ये बताओ तुम माँ जी को लाल साड़ी पहनने से क्यों मना कर रही हो। वो ना इनकी उम्र की सारी औरतें सोसाइटी में इनके लिए बात करती हैं कि तुम्हारी सास बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम है। बहू को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। अरे वाह वाह कौन बोलता है जी, खुद क्या है यहाँ की औरतें, बाल सफेद लेकिन टाइट जींस और कोई कुछ भी पहने। अरे पहनना हमारा निजी हक है, किसी को कुछ हक नहीं बनता कि वो मेरी सास के लिए कुछ बोले। मैं आज ही जाकर माँ जी के लिए लाल जींस लेकर आऊंगी, फिर देखो कोई क्या बोलता है। अरे चुप लाल जींस। अरे सुन नौकरानी की बच्ची, जाकर बोल दे उन लोगों से कि उन लोगों की तरह मैं उड़ती नहीं फिरती हूँ घर बार छोड़कर, अपने बच्चों और नाती पोतों में मन लगाती हूँ, ना कि सारा दिन ताश के पत्तों में आंख गड़ाकर 3 पत्ती खेलूं। नौकरानी वहां से चली जाती है। वैसे बहू नौकरानी के क्या फायदे हैं ये तो पता नहीं, लेकिन सबसे अच्छा तो ये कि पता चल जाता है कि कौन किसके लिए क्या बोल रहा है। सोसाइटी में तेरा नौकरानी रखने का इरादा बिल्कुल ठीक था। अगले दिन उन लोगों के घर की बेल बजती है। बहू दरवाजा खोलती है कि सामने कुछ औरतें खड़ी होती हैं। अरे बहू कहाँ है तेरी सास, बुला जरा। अरे बहन जी आप सारी एक साथ आइए आइए, कैसे आना हुआ। अरे 3 पत्ते खेलने आई हैं, क्यों खेलोगी। क्यों नहीं वैसे भी बड़े दिन हो गए एंटरटेनमेंट हुआ नहीं। बहू जा जाकर पकोड़े तो बना ला। अरे बस करिए, आगे कुछ पीछे कुछ, वैसे तो कहती है कि परिवार पर ध्यान देती है, हमारी तरह 3 पत्तियां नहीं खेलती, हमने कौन सा परिवार छोड़ दिया। सास सक पका जाती है। अब ये किसने कहा। मैं तो कहती हूँ कि मैं भी थोड़ा बाहर निकलूं। आपने ही तो कमला नौकरानी से ये सारी बात की थी। सास और बहू को अब सारी कहानी समझ आ जाती है कि सोसाइटी की औरतें क्यों भड़क रही हैं।
माफ करिए आंटी, मैं छोटी हूँ, लेकिन फिर भी पहले तो आप लोगों ने माँ की लाल साड़ी का मजाक उड़ाया था ना। हाँ हाँ उड़ाया था, लेकिन उससे पहले तो तुम लोगों ने हमारी जींस के बारे में बात की थी। अरे क्यों ना पहने हम जींस, तुम्हारे पैसों की थोड़ी ना है। सास और बहू सर पकड़ कर बैठ जाती है। देखा बहू, ये खेल कर गई तेरी नौकरानी, यहाँ की बात वहां तो वहां की बात यहाँ। दोनों किसी तरह औरतों को समझा बुझा कर घर भेजती है और कसम खाती है कि नौकरानी को नौकरानी ही रहने देंगी।